धीरे से फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसी दौरान रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हुआ और ब्लड लॉस तो बहुत हो ही गया था पहले से ही, और ब्लड लॉस और कार्डियक अरेस्ट के कारण ही डॉक्टर ने जब मुझे सर्जन ने जब हॉस्पिटल में रिसीव किया था तो मतलब डेड डिक्लेरेशन जो करी थी उन्होंने इसी कारण से करी थी। लेकिन उस रास्ते में आते वक्त साइकिल पर बैठे बैठे दिमाग में चल पड़ा था कि बेटा ना तो तू भाग सकता है ना भागना चाहिए, अपनी असलियत को पहचान के जैसी सिचुएशन में हो वहीं पर रहो और वहीं पर कुछ रह के करके दिखाओ। Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and I am your host at The Gut Feel Show. This is a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life with different transformational and inspirational stories for you to learn and evolve in life. Our today's conversation is with Major D.P. Singh and this is a mind-blowing story. It is full of depth and it is full of very, very wise understanding of a situation where this guy was declared dead. And you can feel the chills while you listen to him because he went through a major bomb blast in Kargil and he was declared dead, but he still survived and is doing amazing things now. He's India's first Blade Runner. He's also involved in a lot of work for the Impute and he is one of the most inspirational stories I have seen on this show so far. So please watch till the end and subscribe us for such interesting content. Hello sir, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? एक टाइम था जब मेरे को सिखाया गया था दैट हाउ आर यू डूइंग का आंसर हमेशा ही होना चाहिए टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट आई थिंक इट इज गुड टू जस्ट से दैट आई एम गुड। आई एम गुड। सम आपकी कहानी मैंने जब पढ़ा आपके बारे में सारी चीज़ें समझी, मतलब आई हैड गूज बम्प्स, क्योंकि जो चीज़ें आपने फेस करी हैं लाइफ में वो कोई मतलब आसान चीज़ नहीं है फेस करना, उसको उसके थ्रू निकलना और एक अलग जर्नी क्रिएट करना अपने लिए। मुझे सर एक मैं आई ट्रेस इट बैक टू 15 जुलाई 1999 कारगिल वॉर। आपने अपनी टेड टॉक में भी मेंशन किया था कि उस टाइम आपको भनक पड़ गई थी कि इतनी तूफान आने से पहले की शांति थी जब ये बॉम्ब फटा था। सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लड़ाई में गोलाबारी, क्रॉस एलसी ऑपरेशंस और जो आजकल बोलते हैं क्या नया नाम दिया गया है, एनीवे ये सब आम चीज़ें फौज जो है करती रहती है। Going across the border and capturing their post or you know they coming to our side, it is a very common affair. घुसके मारना is not a big thing, पहले भी करते थे अभी भी करते हैं। जब लड़ाई होती है तब इसके magnitude बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। LC का मतलब यही है, line of control। तो line of control में ये चीज़ें आम होती रहती हैं और लड़ाई ऑपरेशन विजय के दौरान हमारा जो इलाका था, मैं अखनूर एरिया में था जो थोड़ा प्लेन इलाका है, रिवर बेड की वाला इलाका है, तो वहाँ पर भी गोलाबारी पूरी हुआ हर तरीके की हुआ करती थी। सडनली थोड़ा सा उसमें लल आ गया, तो लल आया तो ऑब्वियसली इनिशियल रिएक्शन ये था कि चलो अच्छी बात है, जैसे अभी चाय पी रहे हैं हमको वहाँ पे भी चाय पीना आराम से मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा लल जो होता है ना वो टीवी पे ही ठीक है कि ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू करेंगे, लड़ाई में लल ज़्यादा मतलब कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो हो रहा है। और फिर वो एक दिन के बाद दूसरा दिन भी चलता रहा, तो बाद में मेरे को उसको समझ में आई कहानी कि शायद वो रेकी कर रहे थे शांति रख के कि कौन कहाँ पे कैसे उठ बैठ रहा है, और मुझे टारगेट ज़्यादा करके रैकी कर रहे थे। कहीं ना कहीं उंगली करने में शेर होते हैं ना हम यंगस्टर, यंग ब्लड, नए नए ऑफिसर बने, कुछ ना किसी तरीके से उंगली करने में टेंडेंसी रहती है ना। तो जब दोबारा से गोलाबारी शुरू हुई तो वो गोलाबारी वॉज टारगेटेड अपॉन मी ओनली। 15 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग मोर्टार के बॉम्ब फेंके गए थे, पहला बॉम्ब दूर गिरा
और ये क्योंकि मोर्टार पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज का वेपन है, इसको कोई ऑब्जर्व करता है दूर से कि कहाँ गिर रहा है, उसको ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते हैं। ओके तो ओपी पे जो बंदा बैठा होगा उसने करेक्ट किया होगा कि भैया ये दूर गिरा है, पीछे कर इसका एंगल ठीक करो, ये थोड़ा बंदा पीछे पीछे की तरफ है, वहाँ गिरना चाहिए। तो दूसरा बॉम्ब जो था वो मेरे पास गिरा था 1.5 मीटर दूर। बिल्कुल सामने। 1.5 मीटर दूर का मतलब होता है कि जो बॉम्ब का सिखलाई है उसके हिसाब से 8 मीटर का दायरा इज़ द किलिंग जोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। बाप रे। जहाँ पे गिरेगा उसके 8 मीटर के दायरे में जो आ गया इज टेकन फॉर किल्ड। तो 1.5 मीटर तो मरना ही ज़रूरी था, मगर सिखलाई के हिसाब से सारे काम होते नहीं है ना, तो मरना भी सिखलाई के हिसाब से नहीं हुआ। और उसका कारण मेरे हिसाब से ये है कि जो मेरे जवान थे उनकी ब्रेवरी है, उनका करेज है। उन्होंने मुझे अपनी जान पे खेल के जो इवैक्यूएट किया, उस इवैक्यूएशन के कारण ही मैं बच पाया। अगर वो अपनी जान पे ना खेलते 7 डोगरा के सिपाही, तो मैं आज आपके सामने बैठा ना होता। आपको इमीडिएटली लेकर गए, इमीडिएटली वहाँ से उठाया, पूरी पूरी ब्रिगेड एक्टिवेट हो गई थी हमारी बटालियन 7 डोगरा, बगल वाली बटालियन ने सबने स्मोक की एक वॉल टाइप बनाई बम्बार्डमेंट करके, उनको कवर दिया और उन्होंने स्ट्रेचर पर डाल के मुझे रिवर बेड्स के थ्रू, जिसमें रिवर स्ट्रीम भी थी पीछे, उसको क्रॉस करके पीछे लेके आए बटालियन हेडक्वार्टर के इलाके में। वहाँ पर हमारा मेडिकल ऑफिसर ऑलरेडी तैयार था एम्बुलेंस के साथ, उसने एम्बुलेंस में डाला फर्स्ट एड करके फटाफट, और 2.5 घंटे लगे थे वहाँ वहाँ से अखनूर हॉस्पिटल पहुँचने में। जो डॉक्टर साहब थे वो कैप्टन साहब, वो बीच बीच में उसको जगा के रखने के लिए बातचीत कर रहे थे, ऐसे ही उलझुल सवाल कर रहे थे, क्योंकि अब सवाल जवाब कितने किए रहे हैं। लेकिन आई कुड रिमेम्बर कि उन्होंने कुछ सवाल किए और मैं थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था कि क्या इंटरव्यू लेने लगे हो, मेरी बत्ती खराब बंद हो रखी है और आप सवाल जवाब कर रहे हो, विदाउट नोइंग कि दैट वाज द इंटेंट कि ये जागा रहे। आपको अवेयरनेस थी पूरी कि ऐसे खून वगैरह निकल रहा है सब या नहीं? वो सब मुझे नहीं पता था कि कितना खून निकल गया, कितना कितनी चोटें लगी हुई है, लेकिन वो सवाल जवाब उनके साथ मैं कर रहा था और आई रिमेम्बर दैट धीरे से फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। इसी दौरान रास्ते में कार्डियक अरेस्ट हुआ और ब्लड लॉस तो बहुत हो ही गया था पहले से ही, और ब्लड लॉस और कार्डियक अरेस्ट के कारण ही डॉक्टर ने जब मुझे सर्जन ने जब हॉस्पिटल में रिसीव किया था तो मतलब डेड डिक्लेरेशन जो करी थी उन्होंने इसी कारण से करी थी। पर खैर वो कर्नल रजिंदर सिंह की ब्रेवरी अगेन, उन्होंने बॉडी को देखा, कुछ कहीं उनको जान नज़र आई, इंटरवीन किया तो बचा लिया मुझे। तो 15 जुलाई को इसलिए मैं डेथ और रीबर्थ सेलिब्रेट करता हूँ। मतलब आप कुछ टाइम के लिए जोन आउट हुए और फिर वापस आए। अब वो मजाक करते हैं ना कि भगवान को प्यारा हो गया, तो टिकट तो ले लिया था मैंने कि चलता हूँ प्यारा हूँ भगवान को, बट शायद इतना प्यारा था नहीं। कुछ तो था अभी जो करना था जिंदगी में, और कहानी उसके बाद ही शुरू हुई है सारा कुछ करने वाली, तो बचना जरूरी था। आई थिंक कोई कहानी जो ये जो चल रही है आज की जो कहानी है उसके लिए वो जरूरी था, उसके लिए बचना जरूरी था, और बचने के लिए मरना जरूरी था, मरने के लिए घायल होना जरूरी था, घायल होने के लिए पाकिस्तानी का बॉम्ब फेंकना जरूरी था। तो क्रेडिट किसको जाना चाहिए? उस पाकिस्तानी को जाना चाहिए। सो ये इतना ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आई कैन से दैट आप मुझे दिख भी रहा है, ये कैसे डेवलप किया आपने? ये बहुत एक ये अपने आप में एक एटीट्यूड है जो ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स है, सोर्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमेशा, ट्रांसफॉर्मेशन बिना सोर्स के कभी नहीं होगा। आपके अंदर ये मुझे दिख रहा है सोर्स कि आप यू कैन सी थिंग्स बियॉन्ड द सब्जेक्ट, आप जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देख पा रहे हो कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने बोला कि क्रेडिट उसको भी जाना चाहिए, यू जूम्ड आउट एंड यू सीइंग द बिगर पिक्चर, ये इट इज़ नॉट नॉर्मली व्हाट पीपल थिंक। आई डोंट नो इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत है मुझे लगता है उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो उसको देना चाहिए जिसने ये कहानी लिखी है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा इसी प्रकार से है कि अब आप देखिए ना, बचपन से
बचपन में एक मैंने यू टर्न देखा था जिसने मुझे सिखलाया कि जिम्मेदारियों से या सिचुएशन से या अपनी रियलिटी से भागना ठीक नहीं है, उसको फेस करके उसमें ही कुछ बन के दिखाना ज़रूरी है। वो बचपन का यू टर्न, जो ये बड़ा यू टर्न उसके बाद आया ज़िंदगी का, इसका फाउंडेशन वहाँ रखी जा चुकी थी और इसलिए मैं इसको इजीली हैंडल कर पाया। ये सब किस एज में हुआ होगा बचपन वाला यू टर्न? 8वीं 9वीं में था मैं। मतलब अगर आप बता सकते हैं क्या यू टर्न था ये, कैसे आपसे? मैं घर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि मैं नाना नानी के पास जब जाया करता था छुट्टियों में तो बड़ी ऐश होती थी, और जब वापस आ जाते थे तो साल भर दादा दादी के पास कान मरोड़े जाते थे और डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी पड़ती थी। तो बच्चे को लगता था कि मैं पेरेंट्स के पास नहीं रहा ना कभी, दादा दादी के पास रहा हूँ रुड़की में। नाना नानी रुड़की में? नाना नानी मेरे जगाधरी। तो वहाँ बच्चे को लगा कि यार ये तो बड़ी हार्ड लाइफ है, चलो भाग चलते हैं। बाप रे, इतना पता था कि ये सड़क उस तरफ जा रही है और बस में जाया करते थे तो सुबह जाके शाम को पहुँच जाते थे, तो पैदल चलेंगे तो शायद 2-3 दिन में पहुँच जाएँ। तो ये उस खुरापाती नोटी बच्चे के दिमाग में बात आई, वो चल पड़ा। कहाँ गए थे आप? रुड़की की सीमा से बाहर निकला था मैं, 4-5 किलोमीटर का रुड़की होता था उस समय, अभी तो बाहर फैल गया। छोटा सा ही था। मेरे को एक जानने वाले ने देखा कि ये पैदल कहाँ चला जा रहा है, समझ में आ गई उसे बात की इस इलाके में तो पैदल जाने का इसका मतलब नहीं है, इधर कहाँ जा रहा है। तो उसने पकड़ के बिठाया साइकिल पर और वापस मोड़ दिया कि चल घर। वो था यू टर्न। वापस आते वक्त जो साइकिल में बैठ के चुपचाप उसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया, उसमें दिमाग चला कि अगर मैं भाग जाता तो पहुंचता कहाँ? या तो किसी ढाबे में बर्तन मांज रहा होता, या किसी ने भीख मंगाना शुरू कर देना था हाथ पैर काट के, कुछ ना कुछ अननोन और नॉट सो फ्रेंडली, नॉट सो रिस्पेक्टफुल जगह पे ही पहुंचता ना। उसकी विजडम थी इंसान की कि उसने मुझे घर के बाहर ला के छोड़ दिया, अंदर जाके शिकायत नहीं लगाई, तो बच गया मैं। मतलब बस ये लगा होगा कि लेट आया या कहीं गया। हाँ, वो तो वैसे ही घर से सारा दिन खेलने में डांट पड़ती रहती थी, लेकिन उस रास्ते में आते वक्त साइकिल पे बैठे बैठे दिमाग में चल पड़ा था कि बेटा ना तो तू भाग सकता है ना भागना चाहिए, अपनी असलियत को पहचान के जैसी सिचुएशन में हो वहीं पे रहो और वहीं पे कुछ रह के करके दिखाओ। तो ये जो था ये बचपन की फाउंडेशन में आ गया था। अब इस फाउंडेशन के साथ साथ दादा दादी ने मुझे गुरुद्वारा साहिब से जोड़ा, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे मैं बड़ा रेगुलर हो गया था, सुबह शाम जाता और सुनता था वहाँ पे। वहाँ पे कथा सुनाने वाले आते थे, कहानियाँ सुनाते थे, जो लोग हिस्ट्री बताते थे, वहाँ से इंस्पायर हुआ कि गुरुओं ने कैसी लाइफ जी है, उनके कितने स्ट्रगल थे, उन्होंने पूरा परिवार अपना निछावर कर दिया फिर भी नहीं रोए, फिर भी इंसानियत को ऊपर रखा, फिर भी जो कंपैशन को प्यार को ऊपर रखा। लड़ाई लड़ी तो वो इसलिए लड़ी क्योंकि सब जब रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर दिए गए समझाने के समझने के, तब तलवार उठानी जायज उन्होंने बताई। तलवार उठानी जायज बताई तब जबकि रिसोर्सेज में उनके पिताजी को उन्होंने निशावर कर दिया। तो किस लेवल तक यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पिकिंग अप अ वेपन वाज टॉट, कितना पेशेंस रखना है, राइट? फिर भी अगर चीज़ ठीक नहीं होती है तब लड़ाई जायज है, और उसके लिए अपने आप को अपनी डिफेंस को मजबूत रखना इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ संत बन के नहीं जी सकते, संत के साथ सिपाही होना जरूरी है, वरना खत्म हो जाओगे। लेकिन सिपाही का हथियार उठेगा तब जब संत की हदें पार हो चुकी होंगी, जब संत अपना काम करके और हार मान चुके होंगे कि नहीं हो पा रहा है, तब तलवार उठनी चाहिए। हार मानना मैं सही शब्द नहीं यूज करूंगा क्योंकि हार मानना शायद इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन जब उनको लगेगा कि अब हमने सारे तरीके अपना दिए पर बात नहीं बन गई, लेकिन फिर भी इंसान जो गलत हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, वो अभी भी दब नहीं रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण इंसानियत के ऊपर खतरा रखा है, तो इंसानियत को बचाने के लिए अब उस जुल्म को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए तलवार उठाना शायद जायज़ हो चुका है, क्योंकि बाकी के रास्ते एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इसलिए तलवार उठाओ। तो इसलिए फौज साथ में बनी। एग्जैक्टली, और इसी थ्योरी के ऊपर खालसा सजाया गया, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो खालसा सजाया था। तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है जहाँ जो मैंने कनेक्ट किया
कि पाकिस्तानी को क्रेडिट क्यों जाना चाहिए, क्योंकि है तो वो इंसान। करेक्ट। इंसानियत किसी दायरे से नहीं बंधी हुई है, किसी बॉर्डर से नहीं बंधी हुई है। ये दीवारें जो खड़ी की गई हैं धर्मों की, स्टेट्स की, सोसाइटी की, कास्ट क्रीड की या कंट्री की, ये इंसान ने खड़ी करी है ना। अगर आप ऊपर उठ के देखो तो ये जो स्क्रिप्टेड स्टोरी है हर एक इंसान की, वो बड़े तरीके से चल रही है। उसमें अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ सिर्फ वहाँ हो रही है जहाँ पे इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं करके अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अपनी चलाने का मतलब अपनी चलाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म करने हैं। आपने उसको एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप बैठ जाओगे। कप की चाय मुंह में तभी जाएगी जब आप उसको उठा के यहाँ तक लेके आओगे। बिल्कुल। लेकिन चाय में अगर गलती निकालनी है कि मीठा ज़्यादा है, कड़वी हो रखी है या दूध कम है, तो चाय को पीने का फ़ायदा नहीं है। तो एक्सेप्टेंस इतनी है कि भैया चाय तो मैंने पीनी है, अब जैसी मिल गई उसको ही पीना है। जब पीना ही है तो मज़े से पियो, अच्छे से पियो, खुशी से पियो, तो चाय का भी स्वाद आएगा और जो चीज़ खाओगे पियोगे, जो चीज़ पी रहे हो उसका असर भी कुछ होगा, क्योंकि आपके वाइब्स जो हैं पॉजिटिव वाइब्स, वही जो खा रहे हो चीज़, उसको आप अगर इस वाइब्स के साथ खाओगे, प्रार्थना करके कि जो मैं खाऊंगा उससे मेरे को अच्छी हेल्थ मिले, अच्छा थॉट प्रोसेस मिले, तो वो मिलेगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और इस थॉट प्रोसेस के साथ खाओगे कि ये तो क्या सड़ा हुई चीज़ मैं अंदर डाल रहा हूँ, मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो उल्टा ही होगा, तो वो होगा, क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ भी काम करता है। तो कर्मा और एक्सेप्टेंस में फ़र्क यही है सिर्फ। आप अगर स्टोरी लाइन को अपने एक्सेप्ट करते चले जाओगे और जहाँ पे आपको जिम्मेदारी जो जो स्टोरी लाइन में दी गई है उसको सही मन से निछावर हो के पूरी मेहनत के साथ करने की कोशिश करोगे, तो जो अचीवमेंट्स हैं उसका स्केल एक अलग लेवल का होगा। सर, आपने जो बात करी एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड की, आप वाइब्स क्रिएट करते हो, सर ये आपने बचपन में सीखा या आपकी जो कारगिल वॉर में जो आपने आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई उसके बाद आपने एक्सेप्टेंस सीखी? व्हाट वाज योर स्टोरी ऑफ एक्सेप्टेंस? बचपन से ही एक्सेप्टेंस या फिर बीच में आपको लाइफ ने सिखाया? क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, आज भी अगर मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% कर रहा हूँ, क्योंकि ये जर्नी तब तक चलती रहेगी जब तक मैं बिल्कुल प्योर हो के सीखना है, पूरी लाइफ सीखने वाली है। एक हो सकता है अगली लाइफ भी इसमें लग जाए। जब उस हाई लेवल पे मेरी सोल पहुंच जाएगी तो फिर मैं आऊँगा ही नहीं नीचे। तब तक सिखलाई चलती रहेगी। हाँ जी। हो सकता है सालों में हो जाए, हो सकता है जन्मों में हो। हाँ। मुझे नहीं पता कब होगा वो। लेकिन एक्सेप्टेंस जो मैंने बताया कि फर्स्ट यूटर्न में समझ में आ गया था, बचपन में समझ में आ गया था, फिर उसको रीइन्फोर्स किया उन सब स्टोरी लाइन्स ने जो गुरुओं ने अपनी लाइफ से हमको सिखाई। वो रीइन्फोर्समेंट ने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाया इस चीज़ के लिए कि रजा में रहना ज़्यादा बढ़िया है, अपनी चलानी इतनी अच्छी नहीं है। अब ये जो चीज़ है रजा में रहने की चीज़, हर एक स्क्रिप्चर में लिखी गई है कि भगवान की रजा में रहो, परमात्मा जो कह रहा है वो सब अच्छा है, सरेंडर करो। सरेंडर, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ है चीज़ें सारी। वो हर एक धर्म में, हर एक धर्म एक्चुअली स्पिरिचुअल एंगल से लिखा गया है, मेन फ्रेमवर्क वो है उसका। हाँ, उसको धर्म बना दिया गया है हमारे द्वारा, हमने उसकी उसका कम्युनिकेशन चेंज कर दिया है, मीडियम, हमने उसको रूढ़िवादिता में कन्वर्ट कर दिया है। अदरवाइज उसका जो निष्कर्ष जिस्ट है, उसका जो निष्कर्ष है वो यही है, बहुत सिंपल है कि आप इस धरती पे आए हो, एक स्क्रिप्ट आपके लिए लिखी गई है, वही आपकी स्क्रिप्ट आपको पर्पस दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट करते रहो सरेंडर करके और बहते रहो पानी की तरह। जैसे पानी पत्थरों के आसपास किनारे ऊपर नीचे होकर अपना रास्ता बना लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जितना मर्जी बड़ा पत्थर आ जाए सामने, वो तुम बगल से निकल के ले जाए, उससे लड़ने की क्या लौड़ा कि नहीं मैंने सीधा ही चलना है, तू हट क्या लौड़ा यार करने की, तू बगल से निकल जा, फाइनली यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन।
पत्थर खड़ा रहेगा वहाँ, पड़ा रहेगा, उसे फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करता है अपने। तो ये चीज जो बताई गई है ये हर एक स्क्रिप्चर में बताई गई है। तो अगर उसकी रजा में रहना पसंद कर आना शुरू हो गया और फिर उसके लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको आप अच्छे तरीके से उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ करना शुरू हो गया, आपको आना वो चीज़ आनी करनी करने का तरीका पता चलना शुरू हो गया, तो धीरे 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 आप इस चीज़ को समझना शुरू कर दोगे कि सब ठीक है। तो फिर आपको दायरे धूमिल पड़ जाएंगे, यू विल नॉट डिवाइड योर सेल्फ इन टू वेरियस डिविजन्स, आपका विजन बड़ा हो जाएगा एंड यू विल बी एट पीस। तो तभी आपके फेस पे स्माइल थी इवन आफ्टर हैविंग दैट इंसिडेंट। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे चोट कितनी गंभीर लगी है। आई थिंक ये क्योंकि बचपन की फाउंडेशन इस तरीके से हो गई थी कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वो अंग्रेजी की कहावत है ना, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। ज़्यादातर टाइम जिंदगी में हम इग्नोरेंस में रहेंगे तो ब्लिसफुल लाइफ है। ज़्यादा एक्सप्लोर करके अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ा सकते हो आप, लेकिन उससे स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है। कई बार हम उस एक्सप्लोरेशन में ना फियर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं। जब इंटेलेक्ट बढ़ता है तो आपका फियर बढ़ता ही बढ़ता है। बढ़ता है तो वहाँ पे आपको ये बाउंड्री बनानी आनी चाहिए कि कहाँ तक आप इंटेलेक्ट और विजडम पे काम कर रहे हो और कहाँ पे आप फियर में डाइव इन करने लगे। एग्जैक्टली वो बाउंड्री अगर आपको समझ में आ गई तो शायद आप अपने आप को कंटेन कर लोगे और एक कुछ बाउंड्री बना के वहाँ से इग्नोरेंस कर सकते हो जो आप बता रहे हो। आई थिंक आपने वही किया कि आपने इंटेलेक्ट पे तो काम किया, विजडम पे काम किया, लेकिन जहाँ पे आपको लगा था कि इग्नोरेंस की ज़रूरत है वहाँ आपने इग्नोरेंस भी यूज़ किया। आई थिंक इग्नोरेंस बाय डिफॉल्ट ही थी। अच्छा वो मेरे को शायद सोच के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बाय डिफॉल्ट ही थी। इग्नोरेंस आपको क्या लगता है क्या है, क्या मस्त मौला लोग इग्नोरेंट बनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा? क्योंकि मुझे मैं आई यूज़ इग्नोरेंस एट टाइम्स और एंड आई पर्सनली फाइंड एक मस्त मौला जो एटीट्यूड होता है ना, जो बंदा खुशी ढूंढता है, खुश रहता है और पॉजिटिव वाइब्स हैं जिसकी, वो इग्नोरेंस को इस्तेमाल करना जानता है। आई थिंक उसमें भी ना एक थिन लाइन डिफरेंस है कि कैजुअल नेचर क्या है और इग्नोरेंस क्या है। हाँ करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि मुझे मेरी मेरी सेहत के लिए मुझे एक्सरसाइज करना, सही तरीके का खाना पीना, सोना मेरी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो अगर आप उस तरफ इग्नोरेंट हो जाओगे तो वो कैजुअलनेस है। वहाँ पे आपकी विजडम ने आपको साथ देना चाहिए कि आप करो इसको, आप इसको करो और उसमें आप अपने आप को पुश कर रहे हो, आप अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो, आपके कम्फर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। और क्योंकि वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके हाथ में है बात, आप इसको कर सकते हो। वही तो कर्मा है आपका, जो चीज़ आपके हाथ में है वो आपको करनी चाहिए। जहाँ पे आप इग्नोरेंस बोल रहे हो, जब आप हॉस्पिटल बेड पे थे आपके हाथ में नहीं थी चीज़ें। एग्जैक्टली यू आर वेरी राइट, बिकॉज जो आप चीज़ में आपके हाथ में नहीं है उसको बेटर है कि सरेंडर करके सरेंडर कर दो आप, क्योंकि जहाँ पे आपके हाथ में बात नहीं है ना वहाँ आप जोर मारोगे तो टूट जाओगे। अब जैसे मैं इसका बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि टांग कट चुकी है ना, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उसको उगा सकता हूँ, उगी नहीं सकती, सरेंडर। आप शायद आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस को और एडवांस करोगे, तब शायद टांग किसी की फिट होने शुरू हो जाए या फिट होने लगे। आज की डेट में हाथ ट्रांसप्लांट हो रहा है लेकिन वो भी हर एक का सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और टांग पे तो आपने खड़ा होना है। करेक्ट, हाथ को ट्रांसप्लांट करके आप धीरे धीरे रेजुविनेट कर सकते हो, उस पे इतना वेट बियरिंग नहीं है। एग्जैक्ट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, उसको रेजुविनेट करने का टाइम दे सकते हो। उग गया तो बढ़िया है, नहीं तो ठीक है निकाल दो, या मतलब देयर आर डिफरेंट थिंग्स टू दैट, वी विल नॉट गो इनटू दैट टेंजेंट। लेकिन वो जब टाइम होगा तब की तब करेंगे ना, आज के टाइम में तो नहीं है वो चीज़। तो आज के टाइम में अगर ये पॉसिबल नहीं है कि टांग आएगी तो इग्नोर हो जाओ उसकी तरफ, उसको एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर दो, क्यों लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन सरेंडर करने के बाद अब कैजुअलनेस नहीं आ सकती कि भैया अब मैं सरेंडर कर दिया है, अब तो मेरी ज़िंदगी मोहताज हो गई है, अब मेरे को जैसा इवन आई यूज़ माय डिसेबिलिटी फॉर माय यू नो सपोर्ट सिस्टम, मैं उसको लो सिंपैथी नहीं बनना चाहिए, इट शुड कम इन अ वे, क्या बोलते हैं उसको, विक्टिम कार्ड प्ले करूँगा तो मेरा और फायदा होगा, वो गलत है। वो सिंपैथी मुझे लगता है कि जो आप बोल रहे हो बात उसमें ये है कि आप सरेंडर करने के बाद कैजुअल हो जाओगे तो यू कैन फॉल डाउन द ड्रेन। एग्जैक्टली सरेंडर करने तक इग्नोरेंस और कैजुअल वहां तक ठीक है, वहां तक आप सरेंडर के, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है।
उसके बाद जिस सिचुएशन में आप हो वहां पे आपको भाई साहब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपने कुछ अचीव करना है और इस बॉडी को दोबारा ट्रेन करना है, खड़ा करना है वहां पे आपको अपने आप को किक करना पड़ेगा, वहां पे आप अपने आप के ऊपर आपको हार्श होना पड़ेगा अगर आप अपने आप से प्यार करते हो। सर आपने बोला अपने आप से प्यार करना, मुझे उसके बारे में और थोड़ा समझाइए क्योंकि ये आई थिंक यहाँ पे सारी ये रूट है, ये एक मतलब इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट इसकी बाउंड्रीज भी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए। देखिए सेल्फ लव का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखो, सेल्फ लव खुद से प्यार करना, तो खुद से अगर वो प्यार करता है जो बंदा वो पैम्परिंग का सिनोनिम है कि अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ उसको मैं इतना कंफर्ट में रखूँगा, इतना उसको पैम्पर करूँगा कि उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे उसकी आदतें भी बिगड़ सकती हैं। तो सेल्फ लव को इस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है, उसको समझा नहीं गया है तरीके से। मेरे हिसाब से सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को क्रिटिकली एवेल्युएट करना, उसके लिए इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये इंट्रोस्पेक्शन में मेरे को बचपन में किसी ने बताई थी और बचपन से मैं अपने आप को क्रिटिकली एवेल्युएट करता रहता हूँ बीच बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ एम्पैथी रखना भी इंपॉर्टेंट है, जो सेल्फ लव का पार्ट है वो एम्पैथी अपने लिए रखना। आई थिंक समटाइम आई क्रॉस द लाइन बाई बिकमिंग क्रूअल टुवर्ड्स मी, आई थिंक दैट इज वेयर आई एम नॉट सो गुड स्टिल, आई एम लर्निंग विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट फ्रॉम योर साइड कि खुद से भी खुद को एम्पैथाइज करना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आपने सही किया या गलत किया। मतलब ओवर क्रिटिकल होने से क्या होता है ना, कई बार मूड ऑफ हो जाता है, चीज़ें ऐसा लगता है कि हम ओवर एग्जर्ट कर रहे हैं, ओवर अचीव करना चाह रहे हैं, बट सेल्फ लव में आई फील अगर आप अपने अगर क्योंकि अपने आप से प्यार होता है ना, ये सोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और उस सोर्स की कदर एम्पैथी से होती है। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। एक टाइम था जब मैं अपने को मैं इतना क्रिटिकली इवेल्यूएट करता था कि मैं खुद गिल्ट में आ जाता था, विच इज़ नॉट राइट। सर गिल्ट आ जाना प्लस इससे स्लीप इश्यूज, जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा स्लीप इश्यूज विच पीपल आर फेसिंग इज बिकॉज ऑफ बींग ओवर क्रिटिकल ऑफ देम सेल्फ। और रात भर यही सोचते रहते हैं कि मेरे आज की जो टू डू लिस्ट थी वो ठीक से कम्प्लीट नहीं हुई है, तो कल क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्या तुम कल ये काम कर सकते हो, वो दिस इज़ अ कॉमन बिहेवियर दिस डेज। आई थिंक वहाँ पर भी वो इग्नोरेंस काम करनी चाहिए, इग्नोरेंस और प्लस थोड़ा सा एम्पैथी। मतलब हम ना ये परफेक्शन का जो माइंडसेट ब्रिटिशर्स ने सेट कर दिया था कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में कि 90% ऊपर परफेक्शन, मतलब एक टॉप थ्री में रहो, हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ IQ बेस्ड बनाया। क्यों? क्योंकि जॉब क्रिएट करनी थी, उसमें एम्पैथी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एक सब्जेक्ट होता था मॉरल एजुकेशन, मॉरल साइंस, वो भी हटा दिया गया इवेंचुअली। सही बात है। और EQ करके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा रूट से हटा दिया था सिस्टम में से, क्योंकि आप एम्पैथी सीख जाओगे, आप इमोशनल अवेयरनेस सीख जाओगे तो आप जॉब कैसे करोगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये सिस्टम में से शुरू से हटाया गया। एंड सरप्राइजिंगली अगर आपको EQ पता है तो आप जॉब बेटर कर सकते हो। बिल्कुल सर, लीडर बेटर बन सकते हो। Exactly. क्योंकि आप IQ से सिर्फ मैनेजर बनते हो और एक मैनेजर हर टाइम थका रहता है क्योंकि वो सिर्फ टारगेट पे फोकस्ड है, और EQ से आप एक लीडर बनते हो, विजन, आप विजन फोकस्ड होते हो। मैनेजर टारगेट फोकस्ड होता है, लीडर विजन फोकस्ड होता है, वो आज नहीं तो कल अचीव कर लेगा। एग्जैक्टली, वो लंबी रेस का घोड़ा होता है सर। EQ वाला बंदा लंबी रेस का घोड़ा होता है, IQ वाला रोज टूटता है और रोज रिपेयर होता है, रोज टूटता है, इसीलिए वो ओवर टाइम कमजोर पड़ जाता है। बहुत सही बोला। तो ये चीज थोड़ी बहुत जब समझ में आ गई थी बचपन में, और इसके समझने का कारण ये था क्योंकि अभाव था, बहुत कमियाँ थी सराउंडिंग में, खुद के स्कार्सिटी थी चीज़ों की। माई फादर लॉस हिज जॉब वे बैक व्हेन आई वाज जस्ट आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड, दैट इज द रीजन आई केम टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो फाइनेंशियल क्रंच था। ठीक है। और जब फाइनेंशियल क्रंच होता है तो रिलेशनशिप भी थोड़ी सी इधर उधर से टाइट हो जाती हैं। हाँ जी सर। उनके बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं, तो इसी कॉम्बिनेशन के कारण मैं भागा था, बिकॉज वो प्यार ढूंढता है ना बच्चा। हाँ, बच्चा ढूंढता है प्यार, उसको अपने हालात में वो नहीं मिलता तो वो भागता है। तो बच्चा उस तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा जहाँ से प्यार मिल रहा है। करेक्ट। वो प्यार मैं पड़ोसियों के पास जाता था, वहाँ ढूंढता था जो घर में मिसिंग होता था। तो वहाँ से फिर मैं जब कुछ ऐसी चीज़ें देखता था जैसे राज कपूर की मूवीज, जो एक आइडियल पेरेंटिंग, आइडियल कपल, यू नो, लव, अफेक्शन,
सर्विस, वो सर्विस वहाँ रिलेट करती थी सर्विस जो मैं गुरबाणी से भी सीख रहा हूँ. तो इट यूज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी. जैसे उसका उसके गाने बड़े इंस्पायर करते थे, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए. हाँ, हाँ, और ये चीज़ हो रही है, गुरु कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ हो रही है जो वो गानों के थ्रू एक सेल्फलेस वाली एग्जैक्टली चीज़ें बता रहे हैं. तो उससे क्या होता था कि मुझे ना बचपन में ही ये आदत पड़ गई थी कि आई यूज टू मेक अ पिक्चर ऑफ अ आइडियल पर्सन, कि एक आइडियल सन, आइडियल फादर, आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, और उनको इनकलकेट करने की आदत पड़ गई थी. तो उसको इनकलकेट करने के लिए अपने आप को इवैल्यूएट करना जरूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है कि मैं आज कहाँ हूँ और मैंने कहाँ पहुँचना है. तो वो जो था, आई थिंक मेरी डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव इज़ दैट. फिर बीच में मेरी एक बार 10th की छुट्टियों में मुझे पता है मेरी एक बुआ रहे हैं, बुआ जी ने मेरे को एक इनपुट दिया कि बेटा टीन एज में अपनी को जो तू बना लेगा तेरी पर्सनैलिटी वही रहेगी. तो वो एक और बड़ा बहुत बड़ा इनपुट आ गया था कि अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीन एज ख़त्म होने से पहले पहले मैं चीज़ें सीख लूँ. इन चीज़ों को करने के लिए दिल पर काबू रखना ज़रूरी होता था कि भैया दिल तो कर रहा है कि ऐश करो, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें सीखनी है, एक टारगेट मिला हुआ है, और वो सारी पर्सनालिटी वाली चीज़ें हैं, एटीट्यूड वाली चीज़ें हैं. उसमें मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ. हाँ जी, हाँ जी, समझ गया मैं. पढ़ाई में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं ये सब एटीट्यूड डेवलपमेंट की चीज़ें हैं. हाँ जी, और उसी एटीट्यूड ने मुझे आज तक हेल्प कर रहा है, वो करता रहेगा. तो उसमें जो एक इंक्लिनेशन था कि मेरे को ये सब चीज़ें अपने आप को ऐसे बनाना है, उस क्रिटिकल इवैल्यूएशन के कारण, उस सेल्फ लव के कारण जो मेरी पर्सनालिटी डेवलप हुई, वो पर्सनालिटी ने मुझे हेल्प किया बाद में इंजर्ड होने के बाद. बाद में जो अचीवमेंट्स मैंने करी हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्काई डाइविंग हो, चाहे वो फ्लाइंग हो, चाहे वो हर तरह की डिसेबिलिटी इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज, इमोशनल इश्यूज को हैंडल करना हो, वो फाउंडेशन के टाइम वो आ चुकी थी दिमाग में, बचपन में सीड इन हो जाती हैं. तो उस लव ने मुझे क्वालिटी की तरफ इंस्पायर किया, उस सेल्फ लव ने. उस सेल्फ लव ने मुझे सैक्रिफाइस की तरफ इंस्पायर किया. और आज मैं जो देखता हूँ सेल्फ लव क्या है, वो सेल्फ लव ये है कि भैया मैं जैसा हूँ बढ़िया हूँ, बॉल्स टू यू, तू मेरे बारे में जो मर्जी सोचता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट, यू वॉन्ट टू बी, यू वॉन्ट मी इन योर लाइफ, देन एक्सेप्ट मी द वे आई एम. वो क्रिटिकल थिंकिंग ही चली गई है, वो सिर्फ एक सिंपैथी वाला, सिंपैथी भी नहीं, एक एस्केप मैकेनिज्म, एस्केप मैकेनिज्म है, एक एस्केप मैकेनिज्म बन गया फिलहाल. तो मुझे लगता है मुझे उनके ऊपर तरस आता है, बिकॉज ना तो वो खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, ना वो सर एक तरीका कर पा रहे हैं. हाँ, कंपैशन चला गया लाइफ से, और एस्केप हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि जो सबसे पायस रिलेशन है माँ और बच्चे का, उसमें उस बच्चे की भी केयर नहीं हो पा रही है. क्योंकि माँ को लग रहा है कि मेरे को अपना सेल्फ लव, अपना अपना करियर देखना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को अपना एक रुतबा बनाना है, मेरा नाम होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए ये सब. लेकिन आप देखिए कि पूरी कायनात किस चीज़ के ऊपर अटकी हुई है. पूरी कायनात में एक चीज़ अगर आप चेंज कर दोगे तो कायनात का सत्यानाश हो जाएगा, और वो चीज़ है कि माँ का, बच्चे का जन्म माँ से ही हो सकता है. बिल्कुल, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी. अगर बच्चे का जन्म माँ से हो सकता है, उसके पास जो पावर है, उसके आसपास की क्वालिटी किसी के पास आ ही नहीं सकती. आई मीन इट इज़ ए उल्टा थिंग कि यू वांट टू गेट इक्वेटेड विद समबडी एल्स जिसके पास वो पावर ही नहीं है. रादर दे शुड फील लेट डाउन कि यार इसके पास इतनी, ये तो माँ जननी है. एक्चुअली सर ये गलत परसेप्शन ओवर टाइम बनाया गया लास्ट आई थिंक 7-8 डेकेड्स में, जब ये सारी वॉर्स हुई, जब ये सारे इक्वालिटी आई, ये सब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन में घुसा दिया और सब कुछ, ये बोलना लगे कि ठीक है जो भी हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ थी, ये थी, इनफीरियर फील कराया गया फीमेल्स को. मुझे लगता है कि आई थिंक आई विल नॉट कमेंट अपॉन कि ये ब्रिटिशर्स ने किया या किसने किया, मेरे हिसाब से ये मार्केटर्स ने किया है. उन्होंने भी किया, बिल्कुल सही कह रहा हूँ. क्योंकि आपने कौन से प्रोडक्ट को बेचना है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपने किसको टारगेट करना है और कैसे करना है, किसको खराब दिखाना है, किसको अच्छा दिखाना है. क्योंकि अखबार नहीं इसको इतना कर सकता था जितना टीवी ने किया. टीवी ने तो सर बहुत ज्यादा खराब चीजें बेची है. टीवी इतना नहीं कर सकता जितना सोशल मीडिया ने किया, मोबाइल कर रहा है.
इन बिटवीन मूवीज ने किया। मेरी कई बार लड़ाई होती है सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब लड़ाई इन द सेंस कि आई हैव इंटरेक्टेड विद पीपल, दे से डायरेक्टर ऑफ द मूवी से या प्रोडक्शन हाउस से कि हम वो बना रहे हैं जो दुनिया देखना चाहती है या दुनिया है। भैया होगी दुनिया, एक मिनिस्कुल पार्ट होगा दुनिया का जहाँ पर फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन आप उस मिनिस्कुल पार्ट को, फ्रॉड को दिखा के पूरी दुनिया को इंस्पायर थोड़ी कर रहे हो। रादर यू आर मिस इंस्पायरिंग देम कि यार ये तुम भी कर सकते हो। सर अभी एनिमल मूवी में क्या दिखाया गया है? मैंने तो देखी ही नहीं वो मूवी। मैंने भी नहीं देखी, मैं तो सिर्फ ट्रेलर से ही समझ गया था कि कितनी गलत चीज़ दिखाई जा रही है। मैं ऐसी डार्क मूवीज या डार्क एपिसोड्स की तरफ ध्यान ही नहीं देता। पूरा नेटफ्लिक्स वगैरह सारे ये OTTs भरे पड़े हैं डार्क शोज से, बिकॉज रात को लोगों को बैठ के देखने में मजा आता है और वो इंस्टिंक्ट पैदा हो रही है उनके अंदर सबकॉन्शियसली, वो डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। क्यों आप देख रहे हो कि किसी मदर ने अपने 2 साल के बच्चे को मार दिया? क्यों आप ऐसी कहानियां सुन रहे हो कि कोई डेट कर रहा था, किसी को गुस्सा आया तो उसको मार दिया? Why is so much easily कोई किसी को कैसे मार सकता है? बहुत मुश्किल डिसीजन होता है किसी को मारना, एक्चुअली बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। इवन आपके लिए बॉर्डर पे खड़े होकर किसी को मारना आसान काम नहीं है, मतलब एक पत्थर रखा जाता है दिल पे तब लगती है वो गोली। सही बात है, एज ए सैनिक इफ यू आस्क मी, लड़ाई मेरे लिए लास्ट चीज है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग लड़ाई। किसी भी सैनिक से पूछ लो आप ये चीज, क्योंकि उसको पता है कि उसका नुकसान कितना है। हाँ, क्योंकि सर वहाँ मारने नहीं जा रहे हैं आप लोग, एक वहाँ पे एक डिफेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग अपॉन, कि हैविंग सेड दैट कि लड़ाई मेरे लिए लास्ट चीज है, हमारी ड्यूटी के हिसाब से हमने प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करना है अपनी जनता को, अपने देश को, तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है पूरा। मिलिटेंट भी मार रहा है, लिमिट क्रॉस हो रही है तो आपको गोली चलानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, लिमिट क्रॉस हुई तो चलानी पड़ेगी। Exactly. यहाँ पे तो कोई लिमिट भी नहीं हो रही है, मतलब आई वॉज हॉरिफाइड ये सुन के कि बैंगलोर में उस बच्ची ने अपने 2-3 साल का बच्चा, वो बदमाशी कर रहा था बहुत ज्यादा, डिवोर्स थी वो लेडी एंड उसने अपने 2-3 साल के बच्चे को मार दिया, कि वो कह रहा है कि पापा के पास जाना है, उसको अपने हस्बैंड से खुन्नस थी। मतलब हाउ बैड कैन यू बी, यू आर वर्स देन टेररिस्ट। एग्जैक्टली, एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, आप तो मतलब शैतान हो। बिल्कुल, और माँ जो जननी है वो अपने बच्चे को मार रही है। मैं तो मतलब मैं धक रह गया था ये स्टोरी सुन के। एनीवेज, मतलब चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं एंड दे शुड बी स्टॉप्ड, होपफुली थिंग्स विल स्टॉप ओवर टाइम। बट सर एक चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है लोगों के बीच में, जो आपकी पर्सनैलिटी में मुझे देखने को मिल रही है, वो है एक कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी वाला बिहेवियर है, जिसको रेजिलियंस भी हम बोल सकते हैं, कि आप रेजिलियंटली अपने जो आपको करना है उसकी तरफ या फिगर आउट करने की तरफ आप लगे रहे। आपकी इंजरी के बाद भी आपने उठ के, आपको लगा कि अब मैं फिजिकल वर्कआउट में जाता हूँ, गोल्फ शुरू किया, फिर आपने मैराथन वगैरह शुरू करी। तो सर क्या रेजिलिएंट बिहेवियर पैदाइशी होता है या ओवर टाइम आपने सीखा? क्योंकि रेजिलिएंट बिहेवियर में देखा जाता है कि वो इंसान का थोड़ा सा वो, उनको डर कम लगता है, उनको डर नहीं लगता लाइफ में। मुझे डर लगता है और बचपन में मुझे बहुत डर लगता था। अच्छा, इनफैक्ट ऑफ लेट तक डर भी कई तरीके के होते हैं। बिल्कुल, आई थिंक मुझे जो डर लगता था वो डर इस बात का लगता था कि जैसे बचपन में जो एक सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट हुआ था कि घर में कोई शिकायत लेके ना चला जाए, उसका डर है। शिकायत लेके चला जाएगा तो बेइज्जती तो होगी होगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को बुरा लगेगा। अपनी पिटाई से शायद इतना डर नहीं लगता था जितना उनको बुरा लगने से डर लगता था। मुझे डर लगता था कि अगर मैं किसी को डिस्टर्ब ना करूं। ये तो सर एक इस डर में बुराई नहीं है, वही आप सही कह रहे हो, डर मैं वही कह रहा हूं ना कि डर बहुत तरीके के होते हैं। ये डर तो है कि ये डिसिप्लिन वाला डर है या फिर लाइफ में ठीक बने रहने वाला डर है ये। लेकिन क्या है ना कि कहां पर वो कंफ्यूज हो के कौन से तरीके किस तरफ ढल जाएगा पता नहीं चलता। ज्यादा घुस गए आप डर में तो। जैसे अब अगर ये वाला डर कि उनको बुरा ना लगे, पेरेंट्स तक ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स तक या अपने रिलेशन में ठीक है, बॉस के साथ ये डर शायद ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप उनको बुरा ना लगे वाले एंगल से सोचोगे तो आप उससे दबे रहोगे। दबे रहना और रिस्पेक्टफुल रहना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल अलग चीज़ें हैं सर। रिस्पेक्टफुल होगे तो आप सही को सही और गलत को गलत को विद अ राइट अप्रोच बात कर पाओगे।
लेकिन अगर दबे रहोगे तो सही को सही और गलत को गलत को बोलते वक्त आप सबमिसिव हो जाओगे. यस सर. एंड सबमिसिव होने के साथ जब आप बोलते हो तो कई बार सही होते हुए भी लगते हो कि आप गलत. वो जानबूझ के बोलना पड़ता है दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि आपको अपनी जॉब बचानी है, क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आपको ये लगता है कि यार यहाँ से निकला तो कहाँ जाऊँगा. तो वो एक मैनिपुलेटिव माइंड जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो मैनिपुलेशन में चला जाएगा, जिसके पास मैनिपुलेशन वाला माइंड नहीं है वो लॉस में चला जाएगा, वो हो सकता है धक्के में चला जाए. और मैं शायद गया हूँ कई बार. मुझे बचाने वाली चीज़ सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म है कि उसका सहारा लेके मैं बार 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 अपने आप को तिनके का सहारा लेके बाहर डूबने से बचाया, डूबने से बचाया, डूबने से बचाया, और सरेंडर करता रहा करता रहा करता रहा. तो जो वो सुप्रीम पावर है वो कहीं ना कहीं से मुझे निकाल लाती है, बेल आउट करके थिकेस्ट ऑफ सिचुएशन में जहाँ पे लगता नहीं है कि अब बचे हुए हैं वहाँ से निकाल के ले आती है. क्योंकि आई थिंक इसमें सरेंडर में, इसमें ट्रस्ट में के साथ साथ इंटेंट ने बड़ा काम किया है. और वो इंटेंट में मुझे लगता है कि मुझे भूलने की आदत है कि अगर आपने मेरे को डांट मारी या मेरे साथ कोई गलती भी करी है तो मैं वेंजफुल नहीं हूँ, मेरे को रिवेंज लेने की आदत नहीं है. आई विल गेट इन टू द इग्नोरेंट साइड एंड थोड़े दिनों में मैं आपको माफ़ कर दूँगा, माफ़ी हो जाएगा. तो मेरे अंदर वो इंटेंट वाला काम जो करता है वो टूवर्ड्स प्योरली पॉजिटिव साइड वाला एंगल काम कर जाता है. तो बेलिंग आउट ऑफ शिटीएस्ट ऑफ सिचुएशन बिकम्स ईजी, जिसमें मुझे मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो हायर पर्पज से ही कोई ना कोई आके बेल आउट करके चला जाता है. ये सर मैंने भी बिल्कुल बहुत क्लोजली फील करा है सर. मैं लाइफ में पता नहीं नेचुरली या कैसे मैं चीज़ें भी भूलता हूँ, मतलब भुला देता हूँ एक्चुअली, मतलब मुझे नहीं याद रहती ना, मैं लगा के रखता अपने दिल से ना रिवेंज लेता. ये बहुत सही चीज़ है. इसका ना सर इतना मैं मतलब एग्जाम्पल्स नहीं है मेरे पास, पर मुझे मालूम है कि इस चीज़ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर भी लाइफ में. मैं बहुत चीज़ों से, बहुत सिचुएशंस में ऐसा हुआ है कि पीपल हैव बीन शॉक्ड कि कैसे सब ठीक कैसे हो गया. खुद सर कहीं से सोर्स आता है, कहीं से चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं. सर मेरे साथ कुछ होगा गड़बड़, अपने आप कहीं से सिचुएशन बनेगी और वो वापस रिवर्ट हो जाएगा. लेकिन मैं किसी का बुरा करने ना आगे बढ़ता, ना मुझे फील होता किसी से हो गया, गलती से हुआ क्या हुआ, मैं मान के यही चलता हूँ कि इससे गलती से हो गया. क्योंकि मुझे फर्स्ट इंटेंट जो मैंने सीखा है, जो मुझे भी स्पिरिचुअलिटी से सीखने को मिला है कि बाय बेसिक नेचर एवरी ह्यूमन इज गुड. एब्सोल्युटली. वो सिर्फ उनके अपर लेयर्स हैं जो उनके सर्कमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से वो आज ये एक्ट कर रहा है. बैंग ऑन, एज इफ यू आर टॉकिंग माई वर्ड्स. ये सब मेरी लर्निंग है स्पिरिचुअलिटी की अभी तक की. बिल्कुल सही बोल रहे हो. आई थिंक सर इससे आई थिंक पीपल शुड not get scared of spirituality. It is something I don't know how I went into it, but shayad curiosity le gayi mujhe. But I think people should get into it, and parents and family should also promote, and at least everyone should be a part of it so that people can be more resilient in life. Kyunki aap resilient agar ban gaye na sir to situation hai to badalti rahengi, lekin aapka hausla buland rehta hai. Acha resilience mein aapne jo sawal kiya tha, mujhe yaad padta hai ki wo jo foundation bachpan ki thi जिसमें मैंने अपनी हिस्ट्री को समझा, फिर उसको रिलेट किया फ़ौज की लाइफ से, जो लाइफस्टाइल फ़ौजी जीते हैं, उसके कारण से मुझे कभी धक्का नहीं लगा कि मेरे साथ बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ है. एक रिस्पेक्टफुल फीलिंग थी कि नुकसान हो गया जो भी हुआ है, लेकिन किसी अच्छी चीज़ में हुआ है. और मैंने अपने आप के साथ एक प्रॉमिस किया था जब मेरी टांग काटने की मेरे को न्यूज़ दी गई थी, वहाँ पर भी मेरे साथ एक स्पिरिचुअल इनैक्टमेंट हुई थी. जब डॉक्टर ने बोला था कि आपकी टांग काट दी जाएगी, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि ठीक है सर, आप जैसा बेस्ट समझते हो करिए. तो एक थॉट दिमाग में तभी की तभी कौंधा था कि नाउ अ लाइफ ऑफ डिसेबल विल बी सीन, परहैप्स वन डे आई विल बी एबल टू लिव something like which will be inspirational for not just me but for many others. अब ये बड़ा powerful spiritual thought suddenly मेरे दिमाग में आया था. इसका बीज पड़ गया था अभी.
और उसके साथ साथ मैंने अपने आप को फिर अपना एक विचार दिया था, प्रॉमिस किया था खुद से कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये जो सेकंड थॉट था वो मेरा खुद का था, पहला मैं वो पहले की ओनरशिप नहीं लेता हूँ क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ था, सोर्स से आता है। तो सेकंड थॉट ने फर्स्ट वाले को रियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया, कैटलाइज कर दिया और आप कैजुअल नहीं बने। वो वाले ने मुझे पुश करने की, हमेशा पुश करने के लिए इंस्पायर किया कि बेटा कंफर्ट जोन से बाहर निकल, कुछ कर 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 कर, जहाँ पे झटके लग रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा कर। और उसके कारण जो फर्स्ट थॉट था वो एक रियलिटी बन गया, मटेरियलाइज हो गया सब कुछ धीरे धीरे, सब कुछ वो सही हो गया जो मैंने जो दिमाग में आया था। अब ये क्या गेम है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि फर्स्ट थॉट को बनना था वो मेरा थॉट नहीं था, बाई सम सुपर नेचुरल पावर ने मेरे को दिया था, तो इसलिए उसने सेकंड थॉट मेरे को अपना दिया कि बेटा रास्ता ये पकड़ना पड़ेगा तुझे, अब ये तेरे को अपने आप हेल्प करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन आई डोंट नो, आई एम नॉट अ स्टिल, ये सब मैजिक है। मुझे तो कई बार लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में अननोन ही रह जाती हैं, बट ये कुछ मैजिक होता है बीच में। ट्रू, इसका कोई आप क्लियर रैशनलाइज कर ही नहीं सकते हो किसकी वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आपको ये, मुझे लगता है, मेरा शो का नाम भी गट फील शो इसीलिए है क्योंकि मुझे लाइफ में ये, इसको इंट्यूशन से अगर हम समझे तो लाइफ में ना ये कॉलिंग आपको सुननी आनी चाहिए। आपने वो जो आपको सीड पड़ा ना, आप उतना आपके अंदर स्थिरता उस टाइम पे भी थी जब बेसिकली घबराए हुए होते हैं लोग बहुत ज़्यादा, कि आपने वो कॉलिंग को सुन लिया। अदरवाइज हम इतना खो जाते हैं कई बार, इतना एंक्शियस हो जाते हैं, इतना शॉर्ट साइटेड चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, या मतलब डेली मंडेन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, कि हम वो इंट्यूशन की जो आवाज़ आ रही है या जो सिग्नल आ रहा है उसको नहीं पकड़ते। आपका ये, आई थिंक योर इंट्यूशन गेव यू अ साइन ऑफ अ न्यू डायरेक्शन एंड यू हैड दैट मैसेज एंड यू वर्कड ऑन इट रियली हार्ड। आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि मेरे को एक और चीज़ अपने में दिखती है कि मुझे सिल्वर लाइनिंग देखने की आदत है। बड़ी से बड़ी घटना अगर होती है तो मुझे, और शायद वो आदत भी वहाँ से शुरू हुई थी ना जो मैंने आपको बताई बचपन की, वो जो स्टोरी जहाँ पे मैं फेल हुआ और बच्ची को बचाया, उससे पहले ये सुना करते थे बड़े बूढ़ों से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, परमात्मा जो करा रहा है सरेंडर करो, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैं वो फेल हुआ 11th क्लास में, तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसमें क्या अच्छा है भाई, आप फेल हो गए, आपकी बेइज्जती हो रही है, आपका पैसा ख़राब हो गया, आपका टाइम ख़राब हो गया, सो इसमें कहीं भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा कुछ। तो कभी कभी जब आप ये चीज़ों में कंफ्यूज होते हो तो आपको जवाब बहुत जल्दी मिलता है, कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है जवाब मिलने में, बट ये एटीट्यूड से सारा फर्क पड़ता है सर। सिल्वर लाइनिंग वाला जो एटीट्यूड है ना सर, ये अलग कहानी लिखता है। तो वो जवाब अगर मुझे जल्दी ना मिला होता, शायद साल भर के अंदर जब मैं वो बच्ची को बचाया तो मुझे वो जवाब मिला कि फेल ना होता तो बच्ची ना बचती, आई थिंक उस जवाब ने उस समय शायद वो सीड बोया कि भैया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इज़ दी राइट स्टेटमेंट, तो अच्छे को ढूंढ जो अगर गलत भी कुछ तरह को होता नजर आ रहा है। वो लेंस आपको होना चाहिए सर, ये लेंस होता है जिससे आपको, जो आपने बोला ना, ये एक एटीट्यूड है कि मुझे सिचुएशन कैसी भी हो, मेरा लेंस मुझे ढूंढवाता है कि क्या ठीक है यहाँ पे, मतलब वो खोजना, जैसे मतलब सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो जाए उसमें क्या ठीक हो सकता है, या क्या स्कोप है, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो ढूंढना, या फिर क्या क्या कारण है कि ये सिचुएशन आपको ख़राब, और इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, या तो आप सीख जाओ, और इसमें आप क्या चीज़ कर सकते हो जो शायद आपके साथ साथ बाकियों को भी होप जनरेट कर सके। होप सर सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर, जो आपने बोला, सारा दारोमदार होप का है। अब अगर आप मेरी लाइफ को आज की डेट में यहाँ से देखो, तो वो जो बच्चा भागा था उसने अगले एक साल के अंदर ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि यहीं पे रह के कुछ करके दिखाऊंगा, और वो इंस्पायर हुआ था फौज से, और वो फौज ज्वाइन करने के लिए उसने ठान लिया था। कोई और पेपर नहीं दिया, कोई और नहीं, कहीं और नहीं गया,
उसको वक्त लगा फौज में कमीशन लेने के लिए, लेकिन वो लगा रहा, एनडीए में नहीं कर पाया। फिर उसने थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करके क्लरिकल जॉब पकड़ा, पढ़ाई करी, कमाई करी, अपने आप को सपोर्ट किया खुद फाइनेंशियल, और पढ़ाई करके कमाई करके सीडीएस को क्लियर किया, तो फौज में एंट्री हो गई। उस बच्चे ने जो ड्रीम देखा था वो एंट्री हो गई। अब एंट्री होते ही आप इसको आप देखो जरा, अगर एंट्री होते ही 1.5 साल में चोट लग गई, तो वो जिंदगी ने जो एक ही ड्रीम देखा था बच्चे ने, वो फुलफिल तो हुआ लेकिन जी नहीं पाया ना वो ड्रीम। लेकिन आज अब अगर दोबारा से उसको जूम आउट करके देखो कि वो बच्चे का ड्रीम देखना जरूरी था ताकि वो फौज में जाए, तभी आगे कहानी बनेगी। और फौज में जाना इसलिए जरूरी था ताकि चोट लगे, और चोट लगाने के लिए किसी दूसरे को ये रोल दिया गया, क्योंकि वही एनमी बन सकता है, अपना बनाएगा तो कहानी अलग हो जाएगी। तो वो चोट लगना कितना इम्पोर्टेंट था, फौज में आना कितना इम्पोर्टेंट था, अगर वो सब चीज़ें नहीं होती तो बाहर आने के बाद जो ये दोबारा अचीवमेंट्स हुई हैं, इन अचीवमेंट्स की क्या वैल्यू रहती? कुछ भी नहीं। ये अचीवमेंट्स होनी ही नहीं थी। आप यहाँ तक ना पहुँच पाते। अगर मैं ना डेड डिक्लेयर किया जाता, अगर मेरी टांग ना कटती, अगर मुझे चोटें ना लगती, तो अगर मैं दौड़ भी लेता, अगर मैं स्काई डाइविंग भी कर लेता, अगर मैं हवाई जहाज उड़ा भी लेता, तो कौन सी अचीवमेंट थी? बहुत लोगों ने की है, बट वो डिफरेंट करने के लिए, उस यूनिकनेस ऑफ अचीवमेंट्स के लिए वो जो स्टोरी लाइन बिल्ड की गई है, वो तो कितनी सुंदर स्टोरी लाइन है। बिल्कुल सर, जूम आउट करके देखो तो कितनी खूबसूरत है। तो वो पर्पस जो दिया गया लाइफ में, उस पर्पस में ये सारी कड़ियाँ हैं। उसमें कईयों ने मुझे आके सपोर्ट किए, करने की कोशिश करी, कई ज़्यादातर लोगों ने मुझे छोड़ने की कोशिश की गई कि भैया इसको अगर हम सपोर्ट ज़्यादा दे देंगे तो ये सोलो नहीं जा पाएगा, वीक पड़ जाएंगे, और अगर ये सोलो नहीं जा पाएगा तो डिपेंडेंसी हो जाएगी, और डिपेंडेंसी में वीकनेस आ जाती है, तो इसको इंडिपेंडेंट होकर ही काम करने देना चाहिए। तो मेरा रोल यहाँ पे ख़त्म हो गया है, रादर अगर मैं इसको तंग कर सकता हूँ तो तंग करके जाऊँगा ताकि ये और स्ट्रांग हो जाए थोड़ा। तो कितना सुंदर तरीके से सबने अपना रोल प्ले किया है, पर्पज़ ऑफ लाइफ दी गई थी उसको, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पर्पज़ ऑफ लाइफ को रियलिटी बनाने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी थी। बिल्कुल सर, तो ये जूम आउट करके ये आप देख सकते हो अपने आप को। तो फिर किसी को गलत और किसी की तरफ वेंजेंस, किसी की तरफ हेटरेड रख के क्या फायदा नहीं है। बिल्कुल सर, सर आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत मज़ा आया आपकी स्टोरी सुन के। मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ कि आपका आगे का विजन क्या है, व्हाट डू यू सी फॉरवर्ड विद योर एनजीओ एंड विद ऑल द वर्क दैट यू आर डूइंग। एक टाइम था शायद जब मैं सोचा करता था कि मैं अपने हिसाब से कुछ करूँगा और मैं प्लान किया करता था, तो वो जो एक कॉरपोरेट स्टाइल का क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स, वो मुझे भी लगता था कि यार शायद ये जरूरी क्वेश्चन है। नहीं, एंड देन लाइफ टॉट मी कि बेटा तेरी प्लानिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। वी हैव अ प्लान फॉर यू, वी हैव अ प्लान फॉर यू विच सूट्स मच बेटर देन व्हाट इज योर प्लान। यू आर अ ब्लडी शिट पर्सन हु कांट थिंक अबाउट दोज थिंग, बिग थिंग जो हम सोच चुके हैं। यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट, यू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट एंड यू कीप फ्लोइंग विद द फ्लो। तो जैसी लाइफ आ रही है उसको फ्लो करके एक्सेप्ट करता रहे और उसको बेहतर बनाता रहे। तो मेरे को जब समझ में आया वो क्या चीज़ है, वो वही है, सरेंडर कर दो। तो जब आपने सरेंडर ही करना है तो आपको आज के लिए सोचना है ना। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कल हूँ कि नहीं हूँ। मैंने सोचा था बचपन में कि मैं कमीशन लूँगा, मैंने सोचा था कमीशन लेने के बाद 10 साल तक मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हुई वो मेरी सोच के परे थी, कभी सोची ही नहीं। अब लेटेस्ट जो मुझे कोविड के दौरान पार्किंसन का अर्ली साइंस ऑफ पार्किंसन थोड़ा सा हिट किया है, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे होगा। उसके बाद मैं हवाई जहाज उड़ा जाया, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हवाई जहाज उड़ा के आऊँगा। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज उड़ा के आऊँगा, सीख के आऊँगा। अभी पिछले साल वो करके आ गया हूँ। तो यार जब इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वैसी ही लाइंड अप हो रखी हैं मेरे लिए, तो क्या सोचना, तो अपना दिमाग लगा के क्या ख़राब करना। तो बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है कि जिस सिचुएशन में अभी आप हो, आप उसको कितना बेहतर बना सको, बेस्ट करो। और ये भी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो हमको स्क्रिप्चर्स ने बोली है। गीता क्या बोलती है, अपना कर्म आज की डेट में इस मोमेंट को जियो, इस मोमेंट में आप क्या कर सकते हो बेहतर वो करो, फल की चिंता मत करो।
इस मोमेंट को आपने बेहतर बनाना सीख लिया तो अपने आप आने वाला वक्त भी बेहतर हो ही जाएगा। जो होना है वो तो होना ही होना है। आप सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहो, हाँ जी सर, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी, और वो चीज़ें मिलेंगी जो आपकी डिज़ायर या आपकी सोच से बहुत ऊपर है। बिल्कुल। तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन इज टू फोकस ऑन टुडे, एक्सेप्ट वॉट एवर इज द सिचुएशन एंड ट्राई हार्ड टू मेक बेस्ट ऑफ वॉट एवर इज देयर विद यू टुडे। टुडे आज पे फोकस करो। तो मुझे नहीं पता कि 5 साल में मेरा विजन क्या है। बहुत ही सही सर, आई थिंक मैं यही आंसर सुनना चाह रहा था सर आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर ये अभी तक का वन ऑफ द डीपेस्ट कॉन्वर्सेशन ऑन दिस शो था। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही मतलब इट इज़ क्वाइट डीप जो हमने बातें करी हैं। इट इज़ इंटेंस, इट इज़ अबाउट योर जर्नी एंड द डेप्थ ऑफ इट। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग टू द गट फील्ड। थैंक यू प्रणव, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।